हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनय कुकिंग एंड क्राफ्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। तो गाइज़, अगर आप भी इडली या फिर डोसा बनाते हैं और उसका जो बैटर होता है एक्स्ट्रा होता है, बच जाता है, तो आप उसका क्या यूज़ करें आज मैं बताने वाली हूँ। तो मेरे पास भी इस तरीके से इडली का बैटर बचा हुआ है, अब मैं इसे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो आज मैं इस लेफ्ट ओवर इडली के बैटर से हांडो बनाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वैसे तो हांडो गुजरात का ट्रेडिशनल फूड है, लेकिन इसे आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुजराती स्टाइल में हांडो बनाना। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में भर के हमारा इडली का बैटर बचा हुआ है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे दही ली है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। और इसके अलावा हमने एक गाजर को ग्रेट कर लिया है और इतनी मात्रा में हमने लौकी को भी ग्रेट करके ले लिया है, थोड़ी सी कटी हुई धनिया की पत्तियाँ। इसके अलावा आधा नींबू, अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं तो पूरा 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1/2 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच कड़ी पत्ता, 1 चम्मच सरसों और 1/4 चम्मच हमने लिया है हींग पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अलावा सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है, नमक स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून लिया है और 1 चम्मच हमने ली है चीनी। इसके अलावा 1 पैकेट चाहिए आपको इनो। तो इस बड़े से बाउल में मैं अपने इडली के बैटर को डाल दूंगी, फिर 1 चम्मच चीनी और इसी के साथ नमक को हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। आप इसके जगह पे चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। दही को भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप यहाँ पर प्याज लहसुन भी बारीक काट के डाल सकते हैं या लहसुन का आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें गाजर और लौकी भी डाल देंगे और यहाँ पे जो हमने आधा नींबू लिया है इसका भी रस यहाँ पे निचोड़ देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इन्हें हम रेस्ट पे रख देंगे। बैटर का थिकनेस आप देख सकते हैं, इस तरीके का होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए आपका बैटर। और अब हम तड़का पैन में तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन गर्म हो गया है, यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ। अब 1 चम्मच राई डाल देंगे, इसी के साथ हींग पाउडर और अब डाल देंगे मीठी नीम की पत्तियाँ। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम एक पैन रख देंगे, नॉनस्टिक पैन, और ये जो हमने तड़का तैयार किया था इसमें से आधा तड़का हम इस तरीके से डाल देंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे। और अब हम अपने सारे बैटर को इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से और इन्हें इस तरीके से हल्का सा फैला भी लेंगे। और 1 पैकेट हमने जो इनो लिया था इसे भी हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो इसे भी आप डालने से पहले भी इस पैन में यहाँ पे इसे मिक्स कर लीजिए और फिर इसे आप पैन में डालिए। तो चलिए मैं यहीं पे इसे मिला लेती हूँ। तो ये देखिए, पैन में हमने अपना बैटर डाल दिया है और इनो भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। हमसे थोड़ी गलती हो चुकी है, इनो को आप जब डालना हो कढ़ाई के अंदर आपको बेक करने के लिए, तभी आपने इस तरीके से जो भी मिक्स करने के लिए मिक्सिंग बाउल या जो कुछ भी लिया है उसी में डाल के और अच्छे से इनो मिक्स करिए और फिर आप इसमें बैटर को डाल दीजिए। हमसे यहाँ पे गलती हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पे ही इसे मिक्स कर लिया है। तो इजीली तरीके से मिक्स किया है, बिल्कुल फटाफट यूँ नहीं चला देना है, ताकि नीचे जो भी हमने तड़का में तेल और सरसों यूज़ किया था वो सब आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए, फैल जाए। तो ऐसी गलती आप मत करिए, बैटर को कढ़ाई में डालने से, पैन में डालने से पहले ही उसमें इनो मिक्स कर लीजिए। अब इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे 10 मिनट कवर करके रख दीजिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो हांडवो है वो नीचे साइड से पक चुका है, साइड साइड से भी आप देख सकते हैं। तो अब हमें इस साइड से पकाना है, तो ऊपर हम इस तरीके से ये जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था तड़का पैन में तड़का, इसे फैला देंगे और हमने इसे इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है। और अब कढ़ाई में हमने हल्का सा तेल और लगा दिया है और इन्हें इस तरीके से आराम से इसके अंदर फिर से डाल देंगे और इसे हम फिर से ढक के लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और गैस को हमने बंद कर दिया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे।
तो ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी हांडो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये जो लेयर है ब्राउन ब्राउन, ये बहुत ही क्रंची क्रंची है, बहुत ही टेस्टी है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप देख सकते हैं कि टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत आया है इसका। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली बार जब भी इडली या फिर डोसे का बैटर बचा हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।